दोस्तों कैलाश नगर में हाउस का बहुत ही ज्यादा डिमांड है और भिलाई का सबसे प्राइम लोकेशन आप जो है कैलाश नगर को बोल सकते हैं। तो कैलाश नगर में ही मैं आप लोगों के लिए 3 BHK का डुप्लेक्स हाउस लेकर के आया हूँ। मैं अविनाश और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर यू। तो घर के सामने आपको रोड देखने को मिलेगी 25 फीट की और घर का एलिवेशन आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एलिवेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 यूनिट्स अवेलेबल है और सारा डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। प्राइस क्या है, प्लॉट साइज क्या है, बिल्डअप क्या है, सब चीज़ तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अभी हम चलेंगे हमारे घर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घर की हाइट है वो रोड से काफ़ी अच्छी रखी गई है, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह का आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। पोर्च एरिया में ऊपर आप देख सकते हैं PVC की फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जाती है। और ये रहा आपका पोर्च का एरिया, काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको पोर्च एरिया में देखने को मिल जाता है। और इधर लेफ्ट साइड में भी आपको स्पेस वगैरह दिया गया है प्रॉपर आपके वेंटिलेशन के लिए। तो कुछ इस तरह का स्पेस आपको मिल जाता है हमारे पोर्च के एरिया में। अभी हम चलते हैं हम अपने घर के अंदर। तो अंदर जैसे एंटर करते हैं सामने आपको आपका हॉल का एरिया मिल जाता है विथ फॉल सीलिंग। तो ये है हमारा हॉल का एरिया। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा हॉल प्लस डाइनिंग का एरिया आपको इस घर में देखने को मिल जाता है। वॉल में दोस्तों टेक्सचर का वर्क किया गया है, तो ये जो लुक आपके घर का बढ़ा देता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसमें इंडियन टॉयलेट सीट आपको देखने को मिल जाता है और सारे फिटिंग्स वगैरह भी होना बाकी है, काम चल ही रहा है इस घर का। तो बहुत जल्द जो है आपको ये सब कंप्लीट मिलने वाला है। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टेयर्स भी जो आ जाता है ऊपर जाने के लिए यहीं से दिया गया है। यहाँ पे आपको ओपन किचन देखने को मिल जाता है जो कि फुल्ली मॉडलर रहने वाला है, और किचन में भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का स्पेस आपको मिल जाता है किचन के एरिया में। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। तो इस तरह का हमारा किचन का एरिया आ जाता है। अभी हम चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पहला बेडरूम आ जाता है। बेडरूम में भी आपको ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, PVC फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिलता है। साथ ही स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अभी हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों इस घर का जो है सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और जब भी आप हमें कॉल करेंगे इस वीडियो का प्रॉपर्टी ID ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इस घर के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल्स वगैरह बता पाएं। अभी हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी आपको छोटा सा हॉल का एरिया देखने को मिल जाता है। सिटिंग वगैरह अरेंजमेंट करना चाहे तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ऊपर इसमें भी काफ़ी खूबसूरत सा फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिल जाता है। और टेरेस में जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से आपको देखने को मिलता है। अभी हम चलते हैं वीडियो में आगे और हम अभी देखेंगे हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। दोस्तों सेकंड बेडरूम में भी स्पेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए सारे घर में आपको विंडो प्रॉपर देखने को मिलेगा, हर बेडरूम में आपको विंडो देखने को मिल जाती है। तो अभी हम चलेंगे हमारे बालकनी की तरफ। तो ये है हमारा बालकनी का एरिया। बालकनी में भी आपको जो है देख सकते हैं ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। साथ ही ग्लास की रेलिंग दी गई है यहाँ फ्रंट में, जो कि आपके घर के लुक को बाहर से काफ़ी खूबसूरत बना देता है। तो ये है हमारा बालकनी का एरिया। अभी हम चलते हैं वीडियो में आगे और देखेंगे हम अपना कॉमन वॉशरूम, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर में दी गई है। तो एक कॉमन वॉशरूम आपको नीचे मिल जाती है और एक कॉमन वॉशरूम आपको ऊपर देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी घर लेने का प्लान कर रहे हैं या प्लॉट वगैरह भी आप लेना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अभी हम वीडियो में आगे आ चुके हैं दोस्तों। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी स्पेस काफ़ी बढ़िया है, साथ ही साथ ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ जो है दोस्तों आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सारे घर में दोस्तों AC कनेक्शन वगैरह प्रॉपर किया गया है। 3 फेज की वायरिंग पूरे घर में आपको देखने को मिलेगी। तो क्वालिटी के मामले में आपको इस घर में किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा 3 BHK का डुप्लेक्स हाउस, जो कि लोकेटेड है कैलाश नगर में, जो कि भिलाई का एक प्राइम लोकेशन आप बोल सकते हैं।
तो इस घर में विजिट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, घर से लेकर के संबंधित हो या आप प्लॉट वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं अविनाश और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर यू।